राम राम। तो कभी भी ये देखा होगा आप लोगों ने कि जब भी आप ट्रैवलिंग करते हो, मतलब कि बस या ट्रेन से कहीं पे भी जाते हो, तो रास्ते में एक जो मेन दिक्कत है वो सबको होती है, पेट दर्द की, या फिर हम कहें वॉमिटिंग की, या फिर सर दर्द की। ये ऐसी दिक्कतें हैं जो हर इंडिविजुअल को होती हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे। वो ट्रैवल का टाइम चाहे 4 घंटे हो, 6 घंटे हो, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ये दिक्कतें बढ़ना चालू हो जाती हैं। तो आज इसी दिक्कत को ख़त्म करेंगे। सबसे पहली चीज़ देखो, जब भी आप ट्रैवलिंग करते हो तो जगह अलग अलग जगह का पानी पीते हो, ठीक है, टैप वाटर जो आता है अलग अलग जगह का पी लेते हो, कहीं पे स्टेशन पे रुकी बस, किसी ढाबे पे रुकी, या तो फिर खाना खा लेते हो कुछ भी कहीं का भी, और वो खाना किस तरीके से बन रहा है, कहाँ से बन के आ रहा है, कुछ पता नहीं होता है। तो ये सबसे पहला मेन रीज़न है ये तबीयत ख़राब होने का, वो है ये इस तरीके का फूड जो बाहर मिल रहा है, ठीक है। जितना भी ये फूड खाते हो कहीं पे, तुमने देखा होगा जब स्टेशन पे होते हो तो समोसे वहाँ पे जो बहुत बिकते हैं, अब वो समोसे किस तरह से बन के आ रहे हैं तुम्हें नहीं पता है। तो पहला रीज़न यही है, जो पानी है और खाना है बाहर का, वो डिस्टर्बेंस लाता है हमारी गट में, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है, देखो क्या होता है कि जब ट्रैवलिंग करते हो तो हमें थोड़ा सा लाइट रहना होता है, मतलब लाइट का मतलब यह है कि हमें थोड़ा सा ऐसा रहना होता है कि कपड़े हम ढीले ढाले पहने, जिससे कि क्योंकि आप एक जगह बैठे हो, ठीक है, ट्रैवलिंग जब कर रहे हो तो एक ही जगह बैठे हो, या तो बस में हो तो एक ही सीट मिलेगी आपको, ट्रेन में हो तो हो सकता है उस कंपार्टमेंट में आप थोड़ा बहुत घूम लो, लेकिन बैठना आपको एक ही जगह है, ठीक है। तो इतनी देर घंटों घंटों बैठना है, वहीं लेटना है, तो इस चक्कर में होता क्या है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। जब आप जीन्स पहनते हो या फिर बेल्ट लगाते हो, तो कोशिश ये करो कि जब भी ट्रैवल करते हो कपड़े हमेशा ब्रीदेबल पहनो, मतलब कि ऐसा ना हो बिल्कुल भी उनके अंदर हवा ही नहीं जा रही है। तो दूसरा चीज़ यही है कि कपड़े थोड़ा सा लाइट पहनो, ठीक है। तीसरे पॉइंट की तरफ अगर हम चलें तो तीसरा पॉइंट है ये कि खाना जब भी घर से ले जा रहे हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे उनको ट्रैवलिंग में घर का खाना पसंद होता है, तो घर से जब खाना भी ले जाते हो तो उसमें एक बात का अच्छे से ध्यान रखा करो कि पूड़ी पराठे रोटी इन सब को जितना हो सके अवॉइड करो, छोटी हल्की मील खा के जाओ, लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं करनी, बस थोड़ी सी भूख लगी उसको ख़त्म करना है, जिसके लिए आप थोड़ी सी दलिया, वो क्या कहते हैं, बन सकती है दलिया बन सकती है, या फिर थोड़े बहुत जो भी स्नैकिंग के हैं घर से बना के ले जा सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तेल एल वाले नहीं होने चाहिए, जो अपने आप बनते हैं पूड़ी उड़ी, वो लेके मत जाना, ठीक है। आखिरी बात, चौथी बात हम यहाँ पे करेंगे कि पानी, कोशिश करो कि जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो पानी की क्वांटिटी अच्छी रखो, क्योंकि क्या होता है कि पानी ही अगर आप पीते रहोगे तो उससे जो सर दर्द की दिक्कत है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, पेट दर्द की प्रॉब्लम है, ये बहुत हद तक सॉल्व रहेगी। और जब वॉमिटिंग करते हो तो मतलब सॉरी, अगर पानी पीते हो तो जाहिर सी बात है यूरिन होगा, और उसके लिए बस रुक भी जाती है, या फिर ट्रेन में तो ऑलरेडी सारे इंतजाम होते हैं। आखिरी पॉइंट की अगर हम बात करें तो आखिरी पॉइंट ये है कि होता क्या है कि आप जिस भी एरिया से गुजरते हो, चाहे ट्रेन से हो चाहे बस से हो, वहाँ की कुछ स्मेल होती है जो कि आपके अंदर आ जाती है एकदम से, मतलब आपको लगता है कि अगर मान लो किसी इंडस्ट्रियल एरिया से आप गुजर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा होगा उसकी स्मेल आपके पास आएगी, आपकी मतलब अजीब लगेगा बहुत। तो इस वजह से क्या करो कि एक दो कैंडी या फिर माउथ फ्रेशनर, इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें अपने साथ रखो, ताकि रास्ते में ये खाते हुए चलो, ताकि ये दिक्कतें ना हो। बस ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनके ऊपर आपको काम करना होता है। आखिरी में बात हम यही करेंगे कि जब भी ट्रैवल करते हो हर एक पेन की दवा अपने साथ लेके चलो, चाहे वो जो आपको लगता हो कि हमें दिक्कत हो सकती है, वो पेट दर्द भी हो सकता है, वो सर दर्द भी हो सकता है, ठीक है। राम राम, जय हिंद।